गाइस, आज हम आए हैं सुखना लेक जो कि है चंडीगढ़ में। तो ये सुखना लेक के बाहर का व्यू है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोड के सामने गाड़ी पार्किंग करने के लिए व्यवस्था है, जहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लोग कैमल राइड ले रहे हैं। तो सुखना लेक में एंटर होने के लिए 3 से 4 एंट्रेंस हैं, आप कहीं से भी एंटर कर सकते हैं। ये सुखना लेक के बाहर का व्यू है। तो आइए चलते हैं सुखना लेक पे। आप देख सकते हो सुखना लेक का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। गाइस, एंट्री होते ही यहाँ पे फन जोन है बच्चों के लिए, जहाँ पे किड्स बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को लेके यहाँ आ सकते हैं। फन जोन के साथ ही कैफेटेरिया है, जहाँ पे आप कुछ भी खा सकते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज, आइसक्रीम। तो आइए अब चलते हैं सुखना लेक की तरफ, जहाँ पे आपको मैं बताऊँगी बोटिंग फेयर्स के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपनी टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट लेते ही आप सेफ्टी जैकेट पहन के बोटिंग कर सकते हैं। तो गाइस, 2 सीटर के लिए फेयर है 250 एंड 4 सीटर के लिए 500 और क्यू स्पोर्ट के लिए 350 रुपीज़ है। गाइस, आपको 250 रुपीज़ साथ में सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, जो कि आपको जब आप वापस आओगे तो आपको रिटर्न कर दी जाएगी। गाइस, सुखना लेक पे हम अपने फ्रेंड्स के साथ आए हैं, कॉलेज फ्रेंड्स। ये ट्रिप हमारे लिए एक रीयूनियन भी रहा। तो ये मेरा फ्रेंड है। तो गाइस, आप देख सकते हैं लेक के बीचों बीच एक टापू है, जहाँ पे आप घूम सकते हैं। मतलब अपनी बोट आप टापू के पास लगा के आप टापू में जा सकते हैं और वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। लेक 3 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। गाइस, एक एंट्री यहाँ से भी है, यहाँ से भी आप सुखना लेक में एंटर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शाम का व्यू कितना अच्छा है। आप यहाँ पे दिन में भी आ सकते हैं, लेकिन इवनिंग में बहुत अच्छा व्यू होता है, जैसे सनसेट हो रहा हो तो काफ़ी अच्छा व्यू होता है यहाँ पे। और ये लोग कर रहे हैं फ़ोटोशूट, तब तक आप देखिए लेक का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। गाइस, इन्होंने ना मार्क किया होता है, यहाँ फ्लैग्स लगाए होते हैं, रेड फ्लैग्स लगाए होते हैं, जिनमें जो बोट्स हैं वो आगे तक नहीं जा सकती। मतलब लेक की डेप्थ जो है वो 16 फीट है, मैक्सिमम 16 फीट है और मिनिमम मतलब 8 फीट लेके चलो। तो जहाँ तक 8 फीट डेप्थ है, वहाँ पे इन्होंने रेड फ्लैग लगाए होते हैं, मतलब बोट आगे नहीं जा सकती। लेकिन जो क्रूज़ है वो 8 फीट डेप्थ से भी आगे जाता है। तो मतलब क्रूज़ का एक ये बेनिफिट हो जाता है कि आप अगर क्रूज़ से जाते हो तो आप पूरी लेक
का व्यू देख सकते हो जाके। तो गाइज़ आप आइए यहाँ पे अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, फैमिली के साथ, और यहाँ का आनंद लीजिए। गाइज़ ये आप जितना वॉक करते जाओगे ना, ये काफ़ी एरिया में लेक जो है वो फैली हुई है, लगभग 3 किलोमीटर के अंदर। तो लास्ट में जाके एक और मतलब छोटा सा गार्डन आता है, जिसमें बुद्ध जी की प्रतिमा बनाई हुई है, जिसके मैंने वीडियो तो नहीं बनाई है, क्योंकि वहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमने काफ़ी रात कर दी है, लेकिन मैं पिक्स ऐड कर रही हूँ। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।